वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को शुभकामनाएं। मेरा 1000 1000 सब्सक्राइब्स हो गए हैं गाइस, तो आपको सभी को शुभकामनाएं। और हम जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर, मैं और मेरी सिस्टर। राखी वाले दिन वो कह रही थी जाना, तो आज हमारा प्लान रेडी हो गया है। तो उसके बाद आपको मैं एक स्पेशल बताऊंगा हिमाचल में, खास कर ये कांगड़ा में देखा जाता है ज़्यादातर। तो हमारे यहाँ पे गुगा नवमी होगी 9 दिन के लिए। तो गाइस अभी दिखाता हूँ, अभी हमारे गांव के नीचे घर है, वहाँ पे हैं वो, तो थोड़ी देर बाद हमारे घर भी आते हैं। ये प्रोसीजर ये होता है कि 9 दिन वे जाते हैं, तो उनके साथ पूरे देवी देवता उनके साथ चलते हैं। गुगा नवमी के दिन वो उसे छत्तर चढ़ाया जाता है मंदिर में। तो गाइस आपको बताता हूँ, वो आने वाले हैं, 2 पार्टियाँ आ रही हैं, एक पहले आएगी एक उसके बाद आएगी। Later. तो फ्रेंड्स, हमने जाना था लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर, तो आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे मंदिर में पहुंच के। काफ़ी पुराना मंदिर और काफ़ी फेमस मंदिर है, और जो आपने पहले वीडियो देखी गुगा नवमी की, तो ये गाइस ये 9 दिन चलता है, और जब लास्ट दिन होगा तो सुबह प्रसाद वगैरह चढ़ेगा, और शाम को हरेक गुगा मंदिर में यहाँ पे कीर्तन और भजन होगा। अगर मैं उस दिन गया तो उस दिन की वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगा। वैसे गाइस, तो अभी मैं आपको मिलता हूँ नारायण जी के मंदिर में, वहाँ काफ़ी सुंदर मंदिर हो और आपको बताऊँगा भी गाइस। तो चलते हैं, अभी मिलते हैं आपको नारायण जी के मंदिर। सकते हैं हम पहुंच गए लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और सबसे फेमस मंदिर है। तो यहाँ पे जन्माष्टमी भी होती है, तो यहाँ एक पुराना मंदिर दूसरी साइड है, सबसे पुराना मंदिर। तो गाइस वहाँ से झांकी आती है, यहाँ पे भोग लग रहा है, तो उसके बाद हम भी यहाँ पे हाथ धोएंगे
और ये है हनुमान जी का मंदिर। तो ये मेरा पान की ओर, तो ये देख सकते हैं ये गणेश जी की माँ गणेश जी हैं। और ये देखिए यहाँ पे भोग लग रहा है इस टाइम। तो गाइस अभी थोड़ा सा रश है, और ये काफ़ी पुराना मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पुरानी बिल्डिंगें थी तो वे हटा दी गई है। और यहाँ पे होती है नारायण जी की कथा, और ये देख सकते हैं ये तुलसी लगाई हुई है मंदिर में। तो गाइस ये है मंदिर, काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, और यहाँ पे हर 12 से 2 बजे तक लंगर भी लगता है यहाँ पे गाइस। तो देख सकते हैं वो आ गया पांचू मेरा, तो देखिए चला हुआ, देख सकते हैं नारायण जी के दर्शन सामने कर सकते हैं। और ये रहा मंदिर, काफ़ी पुराना मंदिर है यहाँ पे, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और साइड में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, और मैंने प्रसाद ले लिया है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मंदिर में हमने दर्शन कर लिए, और ये काफ़ी पुराना मंदिर है, यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है। तो गाइस आप देख ही सकते हैं, अब हम ही जा रहे हैं, जी जा रहे हैं, बोल जय बाबा, चलो 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 आगे, चलो चलो आगे, चलो चलो, ये देखिए आप, हाँ मैं चल रहा, तू चल। तो ये देखिए ये काफ़ी शरारती है और चला हुआ, ये देख ही सकते हैं, मुझे बोलता है चलो चलो। तो अभी हम शिव जी के मंदिर में जाएंगे, वो देखो ये शिव जी का मंदिर सुनवाना काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे दिया वगैरह, जय बाबा। तो हमने मंदिर में दर्शन कर लिए, और ये देख ही सकते हैं काफ़ी बड़ा मंदिर है। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे पार्क भी बनाया हुआ है छोटा सा, तो गाइस आप देख ही सकते हैं काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा काम चला हुआ है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो और सुंदर लगेगा। गाइस आप देख सकते हैं हमने मंदिर में माथा टेक लिया और लंगर भी ग्रहण कर लिया। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये है नारायण जी का मंदिर। तो आपको यहाँ से मैं बैठ के यहाँ के दर्शन भी करवाऊँगा, ये देख ही सकते हो आप, ये देख लीजिए काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया हुआ है राधे कृष्ण जी का और नारायण जी का, ये देख लीजिए आप, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। और ये हमारे कान्हा जी, ये देख सकते हो। और आपको यहाँ से बताता हूँ एक मंदिर यहाँ भी है माता जी का, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे काफ़ी पुराना मंदिर है, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते भी हैं गाइस, तो आप देख ही सकते हैं। और उस साइड में भोले शंकर जी का मंदिर, आप देख सकते हैं ये मंदिर है भोले शंकर जी का, ये देखिए। ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपके लिए नेक्स्ट ब्लॉग काफ़ी खास है, तो प्लीज़ उसको भी देखना, वो आएगा 2-3 दिन के बाद। तो गाइज आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, आपको मिलते हैं हम आप नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।